नमस्कार, मेरा नाम है हरपाल सिंह सोखी और मैं आपको टैमरिंड राइस बनाना सिखा रहा हूँ। फटाफट बनता है, बहुत ही इजी है, जब मर्जी बनाएं और कैसे भी खाएं, क्योंकि ये टैमरिंड राइस आप सिर्फ वैसे ही खा सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे टैमरिंड राइस बनता है। सबसे पहले एक वॉक या कढ़ाई को गर्म कर लें, जो भी बर्तन आपके घर पर हो, और उसमें डाल लेते हैं तेल। टैमरिंड राइस में बड़ी सारी चीज़ें जाती है और सारी चीज़ें एसेंशियल होती है। यहाँ जब तक तेल गर्म होता, एक और एसेंशियल चीज़ है वो भी करते हैं, ये एक फ्राइंग पैन में हमें थोड़ा तेल और लाल मिर्च, यानी कि सूखी हुई लाल मिर्च, उसे भी रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। सो ये तिल, काफ़ी सारा तिल और सूखी हुई लाल मिर्च, इन दोनों को धीमी आंच पे रोस्ट करें। तब तक रोस्ट करें जब तक तिल बढ़िया क्रिस्प ना हो जाए। और वो कैसे पता चलेगा? तिल जो है फड़फड़ाने लगेगा, मतलब पैन से उछलने लग जाएगा, तब समझिए कि तिल बढ़िया क्रंची हो गया होगा। और साथ ही ये जो रेड चिलीज है वो भी बढ़िया क्रंची हो जाएंगी। इसे सुखाना इसीलिए है क्योंकि आपने एक ड्राई पाउडर बनाना है इन दोनों चीज़ों का। अब ये तेल जो है गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हींग, टैमरिंड राइस में हींग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो तो मज़ा आता है, क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ डालेंगे ड्राई रेड चिली, सफ़ेद उड़द की दाल, चने की दाल। अच्छा, ये दाल मुझे बड़े पसंद है क्योंकि ऐसा बढ़िया क्रंची टेस्ट आता है जब ये टैमरिंड राइस खाएं, तो अचानक सॉफ्ट राइस और ये क्रंची दाल मुंह में आए तो बहुत मज़ा आता है। तो दाल डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कई लोग ज़्यादा डालना भी पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है एक्चुअली, क्योंकि बढ़िया क्रंच आता है। जब दाल हल्की ब्राउन हो जाए तब इसमें डालेंगे करी पत्ता, काफ़ी सारा करी पत्ता डालते हैं इसमें, और साथ ही डालेंगे राई, और अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। अब ये सभी चीज़ों को सौते होने देते हैं और बढ़िया फ्लेवर सभी चीज़ों का आएगा। टैमरिंड राइस में ये सारी चीज़ें एसेंशियल है, क्योंकि तभी मज़ा आएगा आपको टैमरिंड राइस का। यहाँ देखिए, ये तिल और लाल मिर्च बढ़िया ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब क्या करना है? अब इसे मैं ग्राउंड करूँगा, तो ये ब्लेंडर में तिल और लाल मिर्च निकाल लेता हूँ। पाउडर बढ़िया ग्राइंड हो गया, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अभी रख देते हैं। अब ये जो मिश्रण है अदरक और दालों का, इसमें डालेंगे हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, इमली का पेस्ट। टैमरिंड राइस बना रहे हैं तो बढ़िया इमली हो, याद रखें इमली का जो पेस्ट आप घर पे बनाएं, इमली बाज़ार में मिलती है, उसमें हल्का सा गर्म पानी डालें और गाढ़ा सा इमली का पेस्ट बनाएं, क्योंकि पतला इमली का पेस्ट बनाएंगे तो जो राइस है वो ज़्यादा गल जाएगा, क्योंकि टैमरिंड राइस में आपने बॉयल्ड राइस यूज़ करना है, ना कि कच्चा राइस डाल के इसमें पकाना है। अब इस टैमरिंड के मिक्सचर में हमें डालने हैं पीनट्स, पीनट्स भी काफ़ी एसेंशियल है। साउथ इंडिया में जो बनाते हैं लोग, पीनट्स डालते हैं, दाल भी डालते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। और ये जो बॉयल्ड राइस है, अब इसमें डाल के इसे मैं बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। वाह, देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, और इसमें होगी टैमरिंड की खटास, कई सारे दालें, करी पत्ता का फ्लेवर, पीनट्स का क्रंचीनेस और अदरक का भी स्वाद, बहुत ही मज़ेदार टैमरिंड राइस है। ये राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें,
ताकि जो टैमरिंड की खटास है और बाकी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएं। ये राइस इतना बढ़िया है, आप चाहें जब मर्जी बना के खाएं वैसे ही खा सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्वाद है इंडिविजुअली ही बहुत बढ़िया होता है। थोड़ा खट्टा होता है, पीनट्स है, दालें हैं, बढ़िया क्रंची भी होता है, इसीलिए आप ऐसे बनाएं। और परोसने के पहले यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपने डाला राइस, ये जो राइस है इस पे हमने जो ये तिल और मिर्च का पाउडर बनाया था इस पे छिड़क देंगे और कितना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है देखिए। ये टैमरिंड राइस इसी तरह से बना के खाएं, बहुत ही मज़ेदार, सिर्फ आपके लिए।